जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का स्वार्थ कैसा है, उसके सिस्टम कैसे हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्व को समझाते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्य क्या है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जो पारिवारिक पार्टियां हैं उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना होता है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनके कार्यक्रम भी लक्ष्य विहीन होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में INLD, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राजद, पश्चिम बंगाल में दीदी भतीजे की पार्टी, तो वहीं झारखंड में बाबूजी के बुजुर्ग होने के बाद बेटे ने पार्टी संभाल ली। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब तो ना राष्ट्रीय रह गई है, ना भारतीय और ना ही प्रजातांत्रिक रह गई है, ये भी भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। इसी के साथ ही क्षेत्रीय पार्टी में भी धीरे धीरे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब उन क्षेत्रीय पार्टियों में विचारधारा किनारे हो गई है और परिवार सामने आ गए। इस तरह से क्षेत्रीय पार्टी परिवारवादी पार्टियों में बदल गई है।